आईपीएल 2022 को लेकर बड़ा अपडेट आज चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच कांटे की टक्कर। आईपीएल सीजन 15 में आज रविवार को दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। लगातार 4 हार के बाद चेन्नई ने बेंगलुरु को हराकर सीजन में पहली जीत दर्ज कर ली है। बस मुकाबले में शिवम दुबे और रोहन थापा की दुआदार हिटिंग ने मैदान पर मौजूद दर्शकों और टीवी पर मुकाबला देख रहे क्रिकेट प्रेमियों को खासा रोमांचित यहाँ पर कर दिया। भाई चेन्नई के सामने वह गुजरात होगी जिसे इस सीजन की सबसे मजबूत टीमों में शुमार किया जा रहा है। वही कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी टीम का नेतृत्व शानदार ढंग से कर रहे हैं। वह हार्दिक पांड्या ने राजस्थान के खिलाफ 52 गेंदों पर 87 रन की नाबाद पारी खेली, फिर संजू सैमसन को रनआउट यहाँ पर किया। वही 5 में से 4 मैच गुजरात की टीम अभी जीत चुकी है। वही 4 में से 5 मैच जीतने के बाद अब ये टीम चैन की सांस ले सकती है, लेकिन कुछ परेशानियां भी है जो बड़े मुकाबलों में गुजरात टाइटंस पर भारी पड़ सकती है। ओपनिंग में मैथ्यू वेट लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। वही फास्ट डाउन आने वाले विजय शंकर को देखकर लगता है कि मानो उन्हें कोई यहाँ पर उन्होंने कई दिनों से बैटिंग का अभ्यास यहाँ पर नहीं किया। वही मुंबई के लिए पिछले साल 12 मुकाबलों में केवल 127 रन बनाने वाले हार्दिक इस सीजन में 5 मैचों में 228 रन बना चुके हैं। फिलहाल हार्दिक टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके अलावा अभिनव मनोहर और डेविड मिलर का बल्ला भी रन बरसा रहा है। इसके बाद गुजरात के गेम चेंजर की बात की जाए तो जुबान पर एक ही नाम आता है, राहुल तेवतिया। पर पंजाब के खिलाफ अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाकर मुकाबला जिताने वाले तेवतिया किसी भी मैच की सूरत किसी भी पल बदल सकते हैं। वही चेन्नई सुपर किंग T20 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज की कमी से फिलहाल यहाँ पर जूझ रही है। कोई भी ऐसा जो अपनी गति से विपक्ष बल्लेबाजों को यहाँ पर खौफ पैदा कर दे। हालांकि महेश थिक्सना और जो माइक थिक्सना है वो अपनी मेस्ट्री से स्पिन से जरूर यहाँ पर तहलका मचा रहे हैं। भाई चेन्नई का खेमा उम्मीद करेगा कि थिक्सना और जडेजा मोइन अली की स्पिन की तिगड़ी विकेट चटकाने में सफल रहे। मुकेश चौधरी और क्रिस जॉर्डन से भी उम्मीद है कि वे पावर प्ले के दौरान यहाँ पर शुरुआती विकेट लेने में सफल रहे। वही अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। तो चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11 में बल्लेबाज रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, रोबिन थापा, रायडू और महेंद्र सिंह धोनी। ऑलराउंडर टीम में रहेंगे दुबे और रविंद्र जडेजा, ब्रावो और मोइन अली, और गेंदबाजी का विभाग संभालेंगे क्रिस जॉर्डन, थिक्सना और मुकेश चौधरी। इसके अलावा बात करें गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 की तो मैथ्यू वेट, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और डेविड मिलर, अभिनव मनोहर। ऑलराउंडर की बात करते हो हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया, राशिद खान। और गेंदबाजी का गुजरात की गेंदबाजी संभालेंगे लॉकी फॉक्सन और मोहम्मद शमी और दर्शन नीलकंठे। ये टीम का यहाँ पर संभावित प्लेइंग होगी